आप इस पर किस तरह की प्रॉब्लम्स बनेगी। अब रैंडम वेरिएबल और रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स पी एक्स 0, 1, 2, 3, 0, 2K, K, 3K, K, find EX। तो हमें इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना। वी हैव टू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू। सबसे पहले के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे के की वैल्यू, सबको ऐड करके वन के इक्वल कर दो प्रोबेबिलिटी को। तो प्रोबेबिलिटी को ऐड करो, कितना आया 6K। भाई सबको ऐड करके, ये सबको ऐड करके वन के इक्वल कर दो। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, 1/6। के का वैल्यू 1/6 आ गया। इसमें कोई दिक्कत के की वैल्यू में? अब मुझे निकालना है ई एक्स। तो देखो ई एक्स पहले के टर्म में निकाल लेते हैं, 0 × 0, 0, 2K प्लस 6K प्लस 3K 11K। सो व्हाट इज द ईएक्स, 11/6। ईएक्स की वैल्यू क्या आ गई, 11/6। कोई दिक्कत? अच्छा यदि मुझे ये निकालना होता कैसे निकलता, ई 5x-4 इक्वल टू 5 EX-1। कितना आ गया, 31/6। तीनों चीजें क्लियर है, के कैसे निकाला, ई एक्स कैसे निकाला और फाइव एक्स माइनस फोर कैसे निकाला। एक्स ऐसे आता है बेटा, एक्स क्या बोला था, पी आई एक्स है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर 0, 2K को 1 से क्या 2K, वो लिख दिया 2K प्लस 6K प्लस 3K 11K हो गया। लिखो भाई अगला, ये प्रॉब्लम आ चुका है। एक्स का वैल्यू -2, 3, 1, पी एक्स गिवन है आपको 1/3, 1/2 एंड 1/6। तो मुझे निकालना है ई 2x+5। तो सबसे पहले तो ई एक्स निकालो,
सबसे पहले हमें क्या निकालना है ex, दो ex करो मल्टीप्लाई, ex का वैल्यू क्या आ गया 1। अब मुझे निकालना है ई टू एक्स प्लस फाइव, क्या होगा भाई ई टू एक्स प्लस फाइव, टू ई एक्स प्लस A player tosses two fair coins. He wins rupees 5 if two head appears. Rupees 2 if one head occurs. And rupees 1 if no head occurs. Find the expected amount of winning. Find the expected amount of winning. क्या बेटा अ प्लेयर टॉसेस टू फेयर कॉइंस ही विंस रुपीज 5 if two head occurs, rupees 2 aa sab ban ja bol do kis likha hai aapne if ki jagah 2 head acha to yahan to bhavnaon ko samajh lo bas यस भाई दो हेड आ रहे हैं तो आप कितने रुपए जीत रहे हैं रुपीज 5 और दो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती दो कॉइन को टॉस करने पर ये ना देखो तो अरे 1/4 1/4 फिर एक हेड एक टेल 2/4 नो हेड 5 into 1/4
प्लस फोर बाय फोर प्लस वन बाय फोर, कितने रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी है इसकी? 2.5 रुपीस। तो 2.5 रुपीस जीतने की प्रोबेबिलिटी है। ये समझना है कैसे करो भाई? दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, जीतने की प्रोबेबिलिटी 5 रुपीस। तो 5 × 1/4, 2 रुपए जीत रहा है जब एक हेड आ रहा है, तो 2 × 2/4 प्लस 1 × 1/4। अब बेटा आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? अब एक एक करके डिस्कस करते हैं, कल हम सेट डिस्कस कर लें, क्वेश्चंस करवाने हैं, लेकिन मुझे अभी मुझे क्वेश्चंस और करवाने, कल आप सेटर डिस्कस कर लीजिए, इवनिंग में पेपर डिस्कशन के बाद आगे का चालू करेंगे, डिग्री पहले पेपर डिस्कस करेंगे। कॉपियां चेक हो गई है, कल दूंगा, लेकिन मार्क्स है मेरे पास।